और अब बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की। तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी की कांग्रेस को दो टूक, कम आंकने वालों को पछताना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह मिर्जा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के ही कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आप और कांग्रेस के बीच बातचीत अटक गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल नहीं हो सका। अब आपने कांग्रेस को गठबंधन ना होने पर चेतावनी दी है। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। हालांकि हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को अभी भी गठबंधन की उम्मीद है। जाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है एक दो दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड के मुख्य आरोपी विपिन सिंह को अब जो है एनकाउंटर का डर सताने लगा है। विपिन बोला कि मेरा एनकाउंटर कर सकती है पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब इसके मुख्य आरोपी विपिन सिंह को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। मास्टरमाइंड विपिन सिंह पर सूरत से यूपी तक 36 केस दर्ज हैं। 28 अगस्त को छठेरी बाजार में गहनों की दुकान में करीब 1.5 करोड़ की डकैती पड़ी थी। 3 सितंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। बदमाशों से पूछताछ में विपिन सिंह ही लूटकांड का मास्टरमाइंड निकला। और अब बात कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसका 1 महीना पूरा हो गया है और लगातार न्याय के लिए जो लोगों का प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है, लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। कोलकाता रेप मर्डर केस को 1 महीना पूरा होने पर है, लेकिन अभी तक इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। 8 से 9 अगस्त की रात लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 10 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 14 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंपा गया। 25 अगस्त को संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 2 सितंबर संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और अब खबर प्रयागराज से। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और 45 मिनट आग को बुझाने में लगे। बड़ी खबर ये प्रयागराज से, 45 मिनट के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटे फुट ओवर ब्रिज पर आग की लपटें दिखाई दी। बिजली के पैनल से शुरू हुई आग ने बाद में विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही मुस्तैद आरपीएफ के जवानों ने दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी। जो लोग उस वक्त फुटओवर ब्रिज पर थे उन्हें तत्काल नीचे उतारा गया। आग की लपटें दूर तक नजर आ रही थी। आग लगातार तेजी से फैलती जा रही थी। रात करीब 11:05 पर आग लगी। उसे बुझाने में करीब 45 मिनट लगे। तो देखिए, लगातार बारिश हो रही है और इसका असर कई राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बारिश का कहर इस वक्त नजर आ रहा है। पुष्कर सरोवर के सभी घाट डूब चुके हैं। उदयपुर भीलवाड़ा में भी जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब हो चुकी है। बारिश की बेलगाम रफ्तार शहरों को डुबाने में लगी है। रास्तों पर सैलाब है। हाई स्पीड गाड़ियां पानी के तेज बहाव में ताश की पत्तों की तरह बह रही हैं और दरकते पहाड़ दहशत पैदा कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी मानो कुदरत ने बर्बादी की गिरह खोल दी है। राजस्थान में कुदरत का वो कहर बरपा है कि जिंदगी त्राही त्राही करने लगी है। बारिश की मूसलाधार रफ्तार ने राजस्थान के अजमेर को समंदर में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर इतना पानी है कि फराटा भरने वाली गाड़ियों के इंजन फेल हो गए हैं। तो देखिए, बारिश का असर उत्तराखंड और हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के चमोली में अचानक से लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से जो आवाजाही थी वो बाधित हो गई, बंद हो गई और हिमाचल में अचानक से रास्ते पर झरना गिरने लगा। उत्तराखंड में पहले बारिश कहर बरपाती है तो आसमान की ऊंचाइयों को मापते पहाड़ों की चट्टाने लैंडस्लाइड की शक्ल में बरसने लगती है। ये तस्वीरें चमोली के जोशीमठ ब्लॉक की है। बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से जोशीमठ ब्लॉक में रहने वाले लोगों की जिंदगी का सफर कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल के मंडी की तस्वीर सामने आई है। यहां रास्ते पर जा रही कार पर झरना गिरने लगा। जिस वक्त झरना कार पर गिरा वहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे।
तो देखिए पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है और बॉलीवुड सेलेब्स भी जो गणेश उत्सव है वो मना रहे हैं। कई जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं उन्होंने अपने घर पर गणपति विराजे हैं। मुकेश अंबानी के घर में बॉलीवुड की हस्तियां इस मौके पर जुटी। गणेश चतुर्थी का उत्सव देश भर में शुरू हो चुका है। अंबानी परिवार ने भी हर साल की तरह इस बार एंटीलिया में बप्पा का स्वागत किया। अंबानी परिवार के गणेश उत्सव सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की हस्तियां पहुंची। सलमान खान ब्राउन रंग की शर्ट और व्हाइट पैंट में नजर आए। आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद के साथ सिंपल लुक में शिरकत की। सैफ अली खान और करीना कपूर खान भी अंबानी परिवार के घर पर पहुंचे। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ दिखाई दिए। जैकी श्रॉफ टाइगर श्रॉफ गणेश पूजा में शामिल हुए।